हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो ऑफिशियल आंसर की होती है यूनिवर्सिटी की, उसे कैसे चेक करते हैं। ठीक है, सो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल आंसर की होती है वो ओनली MCQs पेपर्स की ही होती है। ओके, सब्जेक्टिव पेपर के आंसर की नहीं आती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया हुआ है और इसके हम जो UG और PG जितने भी पेपर हुए हैं MCQ के, इस बार उनके आंसर की देखेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने गूगल पर जाना है और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी आंसर की, ओके ठीक है, ये मैंने सर्च कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आंसर कीज 2024 लिखा हुआ आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली। और उसके बाद जब तक ये वेबसाइट ओपन हो रही है, तब तक अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो ये जो साइट है वो खुल चुकी है, आप देख सकते हैं पीछे आंसर की लिखा हुआ आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। सॉरी, नीचे ये देखिए आंसर की, इस तरीके से जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पेपर हुए हैं 20 में और 22 में, 24 में, 27 में, 29, 31, 3, 5, इन सभी के आंसर की, चाहे वो UG के हों या फिर चाहे वो PG के हों। ये देखिए, आप इस पर व्यू करेंगे तो इसमें आपको देखिए आंसर क्या जाएगी, MA इंग्लिश का पेपर उसी दिन हुआ, MA हिंदी, MA इकोनॉमिक्स देख सकते हैं आप, और यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं अपने PDF पे। और ये यहाँ पर आपको 4 सेट दिखाई देगा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। ठीक है, ये जिस तरीके से जो भी आपका सेट होगा उस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस थे इसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है MA सेकेंड ईयर हिस्ट्री टूरिज्म इन इंडिया का पेपर है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑफिशियल आंसर की चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।